बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हुआ जनजातीय क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली का समापन। जी हाँ, आपको बताते चले, संपूर्ण राष्ट्र में मनाए जाने वाली दीपावली से ठीक एक माह बाद उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में बूढ़ी दीपावली को मनाए जाने की परंपरा है। बूढ़ी दीपावली अपने आप में बेहद ही अनोखी और संस्कृति से परिपूर्ण होती है, जो पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता और भाईचारे के साथ संदेश को बिखेरने का काम करती है। इसके अतिरिक्त यदि हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो जौनसार बावर की इस दीपावली में किसी भी प्रकार के प्रदूषण से भी नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग स्वयं निर्मित मिट्टी के दियो, बीमल की लकड़ी की मशालों और महासु महाराज के नाम से हरियाली लगाने के साथ ही परंपरागत तरीके से दीपावली को मनाते हैं। दीपावली में क्षेत्र पोशाक में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जिसमें तांदी, हारूल, जैता, रासो, जंगूबाजी आदि मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ घरों में क्षेत्र व्यंजनों की धूम देखने को मिलती है। जौनसार बावर के कोरवा गांव में मनाई जाने वाली दीपावली में महासु महाराज को समर्पित हिरण नृत्य पूरे क्षेत्र में बेहद ही प्रसिद्ध माना जाता है। आइए देखते हैं जौनसार बावर की बूढ़ी दीपावली से कुछ खास प्रस्तुतियां कोटा तारली, कोरवा और समालटा से, और जानते हैं क्या है हरियाली को लगाने की परंपरा। Oh,
जो ये हरियाली का क्या महत्व है और ये किस लिए लगाई जाती है? वैसे तो इस महत्व को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे हम तो बुजुर्गों ने ये कोई ऐसा हम उस समय बच्चे थे, बज नहीं कर पाए, लेकिन इसका एक ऐसा महत्व है कि एक हमारा पारंपरिक जो हमारा एक इलाके का जो वो है, तो इससे जो है हमें एक प्रकार की जो है उसकी शुरुआत जिसको बोलनी चाहिए, हम जो है अपने त्यौहार की शुरुआत जो है इस दीपावली में उससे इस हरियाली से करते हैं। ये विशेष रूप से बोई जाती है और इसका एक महत्व है, सबसे पहले महाराज के स्थान में चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद जो है ये आपस में बिक्री की जाती है। ये एक प्रांगण है महाराज के, उसमें ये प्रांगण में ही इसका महत्व है, हम प्रांगण में इसको जो है कबूल करते हैं, प्रांगण में ये चढ़ाई जाती है। ये जो सोने की हरियाली जिसको कहते हैं और ये जौ और गेहूँ के माध्यम से जो 15 दिन पहले उगाई जाती है और 15 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है और इसका जो कलर है वो भी एक भिन्न कलर होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इसका कलर भिन्न होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप DCP न्यूज का स्वागत है। आपने प्रश्न किया इस हरियाली पे, जैसे अभी तक आपने सेण जी के कथन को सुना है, हरियाली एक त्यौहार की शुरुआत है और इस शुरुआत को किस तरीके से की जाती है, 15 दिन पूर्व जब महाराज जी के नाम से इसको उगाई जाती है तो इसका कलर भिन्न होता है। आपने देखा होगा इसका कलर ना गेहूं का है ना हरे जौ का है, लेकिन इसका कलर भिन्न है। ये सब महाराज जी की कृपा है और अभी तक आपने देखा होगा वर्मा जी ने जब इसका स्वागत किया, इसका जब शुभारंभ की तो सबसे पहले माँ सुबाराज के नाम से चढ़ाया। अब जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं सबके कानों में जो है इसकी हरियाली को लगाई गई और इससे जो है आज अभी से दीपावली की शुरुआत की गई है।